नालागढ़ की मलेड़ी पंचायत के गांव थल्ला के साथ लगती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज तकरीबन 10 बजे गांव का एक व्यक्ति नदी के रास्ते से अपने घर जा रहा था, तो उसने नदी के पास एक व्यक्ति का शव देखा। व्यक्ति का शव बिल्कुल ही गला सड़ा हुआ है, जिसके बाद गाँव वालों ने इसकी सूचना पुलिस चौकी जोघो को दी। सूचना मिलते ही जोघो चौकी के इंचार्ज विजय पाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नालागढ़ थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के शव को आईजीएमसी शिमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता लग पाएगा। पुष्टि करते हुए SHO नालागढ़ कुलदीप शर्मा ने बताया कि देखने से शव काफी दिन पुराना लग रहा है, जिस कारण शव में कीड़े पड़ चुके हैं। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये यहाँ पे मलयानी पंचायत है और तकरीबन 12:30 बजे 11:30-12 बजे के मेरे को जोगों वाले जो मेरा आईसी है ऐसा विजय कुमार जी, उन्होंने दूरवास से सूचना दी थी कि सर एक थल गांव में अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली हुई है, तो प्लीज़ आप, मैंने कहा आप जाके वहाँ पे बॉडी को देखें, सीन ऑफ क्राइम को क्योर करें, मैं मौके पे आता हूँ। उसके बाद मैंने फ्रेंसी लैब वाले डॉक्टर साहब जो हैं उनको कॉल किया, नरेश जी को बद्दी से वो आए, मैं मौका और पहुँचा। फिर हमने अपने BMO साहब से ही बात की, BMO साहब कह रहे हैं कि इस आइडेंटिफाइड बॉडी को तो ज़्यादा ही गल सड़ गई है, तो कहते हैं इसका पोस्टमार्टम जो IGMC शिमला में हुआ। पर आई कॉल टू डॉक्टर पीयूष कपला, उनसे ही बात की तो वो कह रहे थे ये एक्सपर्ट तो है नहीं शर्मा जी, तो आपको यहीं ले आना पड़ेगी। तो हमने बॉडी को पैक कर लिया है, सारा ही बॉडी गल सड़ गई है, काफ़ी दिनों की है, वृद्ध लग रही है क्योंकि बाल उसके सफ़ेद लग रहे हैं, बॉडी पूरी नाश हो चुका है, यानी कि सारे जीप पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से उसको कवर करके हमने एक पॉलिथिन बैग में डाला है। कल फिर इसको IGMC शिमला में जाके इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अब किसी का भी होगा DNA रिपोर्ट लेके अगर भविष्य में कोई आया था तो उनको पता लग जाए। बस यही है, धन्यवाद।